स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन. ओके, सो लेट मी रीड द क्वेश्चन फॉर यू. अ सिलेंडर ऑफ हाइट एच एंड रेडियस कैपिटल आर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ठीक है, और ये आपका सिलेंडर है. बट आप ध्यान दो, सिलेंडर जो है ये अपराइट पोजिशन में नहीं है, सीधा नहीं है, ठीक है. इट इज टिल्टेड एट एंगल थीटा. ओके, आई विल डू दिस क्वेश्चन बाई टू मेथड्स. वन विच मे सीम डिफिकल्ट, जो आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, बट आई वुड फॉलो दैट मेथड क्योंकि बहुत जनरल मेथड है. और किसी भी केस में अगर आपको कोई वेक्टर फील्ड दे दिया या इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी एक्सप्रेशन दे दिया, तो आप उस मेथड से आप फ्लक्स इजिली निकाल पाओगे. और सेकेंड मेथड जो कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए आसान होगा, तो मुझे पता है कि आप लोग सेकंड मेथड ही फॉलो करोगे. बट फिलहाल आई विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट मेथड, ठीक है. पहले मेथड से करते हैं. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये सरफेस है जिसके थ्रू फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू द सिलेंडर, कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, ध्यान देना, फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू द सिलेंडर वही निकालना है. फ्लक्स दैट इज कमिंग इन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है वही आपको निकालना है, ठीक है. अब देखो, आपके पास दो रास्ते हैं. एक, या तो सिलेंडर का बेसिकली फ्लक्स होता क्या है, आप देखो इधर, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, ठीक है, बेसिकली ई डॉट डी एस. और ये सरफेस इंटीग्रल होता है, ठीक है, ये. और अगर ds को आप ब्रेक करते हो dx dy में तो डबल इंटीग्रल आ जाता है, वो आप अभी आगे देखोगे कैसे, ठीक है. बट मैं उस मेथड से नहीं कर रहा हूं पहले कि आपको एरिया का कंपोनेंट लो, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट लेके कर रहा हूं, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इन विच डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ सिलेंडर इटसेल्फ. तो हमारा नया कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो इसके अलोंग हो जाएगा, ठीक है. अगर रियलिटी में आपका ये जेड है, ठीक है, लेट्स से ये एक्स है और ये वाई, ठीक है, तो नया कोऑर्डिनेट इधर जेड डैश और आगे सिमिलरली, ठीक है. सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में यूज करूंगा, कार्टेशियन नहीं यूज करूंगा. जैसे आपके पास पोलर होता है ना, पोलर कोऑर्डिनेट में क्या करते हो आप, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, बस. सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में एक और कोऑर्डिनेट आ जाएगा जेड, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं. तो पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर मैं एक फंक्शन लिखूं फाई ऑफ आर थीटा जेड, ठीक है, तो आपके पास पैरामेट्रिक फॉर्म में कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, आर, सॉरी कैपिटल आर यूज कर रहा हूं, कैपिटल ही करूं, ठीक है, कैपिटल आर कॉस थीटा कॉमा कैपिटल आर साइन थीटा कॉमा जेड, ठीक है. जेड बेसिकली ऑफकोर्स यहां ऑलराइट, ठीक है, बेसिकली जो फ्लक्स यहां से निकालते हो आप, तो ई डॉट डी एस को जब आप सिंप्लीफाई करोगे, बाय द वे फाई आपके लिए कंफ्यूजन हो सकता है, तो कोई भी फंक्शन मान लो एफ, ठीक है, एफ किस चीज का फंक्शन है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का, ठीक है. और फाई ई आपका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको जब आप ब्रेक करोगे तो बेसिकली ये हो जाएगा जेड इज इक्वल टू जीरो से जेड इज इक्वल टू एच तक, और ये थीटा है, सॉरी इसको थीटा की जगह अल्फा मानो, क्योंकि थीटा जो है आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है. सो दैट ये अल्फा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है, पैरामेट्रिक लोकेशन है सिलेंडर के लिए, और ये थीटा टिल्ट एंगल है, ठीक है, तो दोनों को मिक्स नहीं करते हैं. तो यहां पे अल्फा इक्वल टू अल्फा वन से लेके अल्फा इक्वल टू अल्फा टू. मैं अल्फा वन और अल्फा टू क्यों ले रहा हूं, Why am I taking alpha 1 and alpha 2? You will know soon. ठीक है? अब देखो, यहां पे हो जाएगा E vector dot में, ठीक है? ये function आपके पास है, ठीक है? Dot of n cap into ds. n cap जो है normal to the area vector है, ठीक है? और ये unit vector है by the way, but मैं जो लूंगा एन कैप ds की जगह पे एक वेक्टर लूंगा मैं सीधा सीधा, वो हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल अल्फा
क्रॉस डेल एफ अपॉन, ये वेक्टर है डेल एफ अपॉन डेल जेड, ठीक है, इनटू डी अल्फा एंड डी जेड, ठीक है, डी अल्फा इनटू डी जेड, ये मैं एन कैप और डी एस की जगह पे लूंगा. दिस इज व्हाट आई विल टेक इन प्लेस ऑफ एन कैप डी एस. पार्शियल डेरिवेटिव है ये, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव. बाय द वे डोंट बी कंफ्यूज कि ये कॉमा लगा है, कोऑर्डिनेट है, मैं उसको कैसे डिफरेंशिएट कर देता हूँ. इट्स बेसिकली व्हाट, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं डिफरेंशिएट कर सकते हो आप. कंपोनेंट ले लो, आई का कंपोनेंट, जे का, के का, और अलग अलग कंपोनेंट का, एवरी कंपोनेंट कैन बी डिफरेंशिएटेड. एंड इन दिस केस आपको यू हैव टू डिफरेंशिएट पार्ट विद पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको करना है, ठीक है. पार्शियल डिफरेंशिएशन यू अंडरस्टैंड दैट इफ यू आर डिफरेंट, फॉर एग्जांपल दिस वन, इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग विद अल्फा, देन अल्फा वुड बी वेरिएबल एंड रेस्ट ऑफ द वेरिएबल वुड बी कॉन्स्टेंट, दे वुड एक्ट एज कॉन्स्टेंट, ठीक है. तो हमें बेसिकली ये निकालना है, ठीक है, डेल एफ बाई डेल अल्फा क्रॉस डेल एफ बाई डेल जेड, ठीक है. तो निकालो डेल एफ बाई डेल अल्फा क्या हो जाएगा, डेल एफ बाई डेल अल्फा की वैल्यू माइनस आर साइन अल्फा कॉमा आर कॉस अल्फा कॉमा जीरो, ठीक है. और डेल एफ बाई डेल जेड क्या आ जाएगा बताओ, जीरो कॉमा जीरो कॉमा वन, ठीक है. ओके, मुझे अब इरेज करना पड़ेगा ये पोर्शन, बट उसके पहले आप ये समझ लो कि इसका जब क्रॉस प्रोडक्ट लोगे ना, व्हेन यू विल टेक द क्रॉस प्रोडक्ट, तो दिस इज व्हाट यू विल गेट, डेल एफ बाई डेल अल्फा क्रॉस डेल एफ बाई डेल जी. ओके, अ वाइल बैक आई वॉज रिक्वेस्टेड टू स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो सो दैट सम नॉन हिंदी बैकग्राउंड स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड. ओके, सो डोंट माइंड मी स्पीकिंग सम ऑफ द थिंग्स इन इंग्लिश एज वेल. ओके, सो डेल एफ बाई डेल अल्फा क्रॉस डेल एफ बाई डेल जेड, ये आप कर लेना, ठीक है, ये आ जाएगा आपका आर कॉस अल्फा कॉमा आर साइन अल्फा कॉमा जीरो, ठीक है. आई होप यू कैन सी, ठीक है, ये वैल्यू. ओके, अब पूरा मुझे इतना इसकी जरूरत नहीं है, ये मैंने मेथड बताया अभी. तो आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वेक्टर कोई भी दिया है और कर्व में आप डीएस वेक्टर निकाल लो, तो आपको क्या आ जाएगा, आप फ्लक्स किसी भी फील्ड के लिए, मैग्नेटिक फील्ड हो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हो या कोई जनरल फील्ड हो, उसके लिए भी आप निकाल सकते हो. ओके, सो फाइन फाइन ई, बट यहां पे अब मुझे क्या करना है, जैसा कि मैंने कहा मैं इसके एरिया का कंपोनेंट नहीं ले रहा हूं, रादर देन आई विल टेक द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट लो, ये आपका वर्टिकल है, और वर्टिकल से अगर मैं ये एक डॉटेड लाइन खींच दूं, किसके लिए मैं ये डॉटेड लाइन खींचा, व्हाई डिड आई ड्रॉ दिस डॉटेड लाइन, इट इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द टिल्टेड सिलेंडर, राइट. सो व्हाट इज दिस एंगल, थीटा, ऑलराइट. सो इफ दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट एम आई डूइंग, आई एम कमिंग इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ टिल्टेड सिलेंडर इटसेल्फ, ठीक है. तो टिल्टेड सिलेंडर के लिए जेड डैश एक्सिस हो गया, एंड दिस वुड बी आर डायरेक्शन, ठीक है, आर थीटा फाई, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में आर, यहाँ पे अल्फा, ठीक है. सो आर अल्फा और जेड, जैसे आप एक्स वाई जेड करते हो ना, वैसे ही सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में आर अल्फा और जेड होता है, ठीक है. तो मैं आर अल्फा जेड डैश, एक्चुअली जेड डैश आर डैश अल्फा वुड बी सेम, आर डैश अल्फा जेड डैश डायरेक्शन में आई एम कमिंग, ठीक है. Maybe you can call it alpha dash, but I have assumed alpha, so we will take alpha, ठीक है. So electric field का component, this is theta, this is 90 minus theta, this is again theta. So take this component is going to be e cos theta, and this component in the z direction is going to be e sin theta. Now imagine the normal case. Normal case किस में होता, जब ये cylinder tilted ना होके upright होता, सीधा होता, ठीक है. तब आप कैसे करते हो, एक छोटा सा यहां पे केस जल्दी से देख लेते हैं. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, यहां पे इसका नॉर्मल वेक्टर इधर, यहां पे नॉर्मल वेक्टर इधर, यहां पे नॉर्मल वेक्टर इधर. इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके साथ कितना एंगल है, 90 डिग्री. फ्लक्स एसोसिएटेड इज जीरो.
दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस दे आर एंटी पैरेलल, ठीक है, यहां पे इनवर्ड फ्लक्स होगा, इस साइड में इनवर्ड आउटवर्ड फ्लक्स होगा। तो करस्पॉन्डिंग केस में आपको अगर आउटवर्ड फ्लक्स ही लेना है तो यू विल कंसीडर ओनली दिस पार्ट, ठीक है। दिस पार्ट का मतलब क्या हुआ, सिलेंडर के केस में मतलब क्या हुआ, जस्ट ओपन द सिलेंडर इनटू हाफ, ठीक है। अगर आप सिलेंडर को हाफ ओपन करोगे तो उसका क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, हाफ सिलेंडर, और जो अल्फा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट था इट विल गो फ्रॉम 0 to π। अगर नाउ इफ इट वुड हैव बीन अ फुल सिलेंडर तो वही 0 to 2π जाता, इट वुड हैव गॉन फ्रॉम 0 to 2π, बट इस केस में फॉर द हाफ ऑफ द सिलेंडर फ्लक्स वुड बी आउटवर्ड क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वुड बी इन दिस डायरेक्शन, एंड फॉर अदर हाफ ऑफ द सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी इनवर्ड, ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस वन एरिया वेक्टर इज एंटी पैरेलल, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल केस हुआ, अब यही नॉर्मल केस आप टिल्टेड कोऑर्डिनेट में देखोगे, ठीक है। नाउ आपके पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, एक वन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, व्हाट इज दैट, ई साइन थीटा, ठीक है, अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड केम परपेंडिकुलर टू दिस एंड व्हाट इज दैट, ई कॉस थीटा, सॉरी, ई कॉस थीटा, ठीक है। नाउ हम फ्लक्स एसोसिएटेड विद ई साइन थीटा भी निकालेंगे, फ्लक्स एसोसिएटेड विद ई कॉस थीटा भी निकालेंगे, ठीक है, ऑलराइट, देन व्हाट विल हैपन, ओके, सो ई कॉस थीटा का देखते हैं पहले, ठीक है, ई कॉस थीटा, फ्लक्स एसोसिएटेड विद ई कॉस थीटा, व्हाट वुड बी फॉर दिस, ओके, पूरे सिलेंडर को तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, लेट्स कॉल इट वन, दिस इज टू, एंड जो कर्व सरफेस है, जो सिलेंडर का साइड है, 2πRL जिसका एरिया होता है, उसको थर्ड मानते हैं, ठीक है। तो फ्लक्स ई साइन थीटा वन बाय वन देखते हैं, ठीक है, ई साइन थीटा फाई ई फॉर ई साइन थीटा विद सरफेस वन, वन के साथ सरफेस किसका, ई साइन थीटा का, देखो क्या होता है, ई साइन थीटा की डायरेक्शन आउटवर्ड है, नॉर्मल फॉर फर्स्ट सरफेस, इस सरफेस के लिए नॉर्मल क्या होगा, अवे फ्रॉम द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, राइट, आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर, ओके। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन एरिया और इस ई साइन थीटा के बीच कितना हो गया, जीरो, तो ई साइन थीटा इंटू डी एस कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट लोगे तो कॉस थीटा आ जाएगा और थीटा जीरो है, सो बाय द वे इट्स नॉट दैट थीटा, थीटा इज दैट एंगल बिटवीन देम, ठीक है, कई सारे एंगल आ गए, थीटा अल्फा, आई एम रनिंग आउट ऑफ सिंबल्स दैट यू आर अवेयर ऑफ एट 12th स्टैंडर्ड, ठीक है, साई और क्या क्या बोलते हैं, ठीक है, डोंट वरी, सो ई साइन थीटा अल्फा बीटा गामा कुछ भी कह सकते हो, राइट, ई साइन थीटा इंटू डी एस, एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, राइट, कॉस थीटा, थीटा जीरो, कॉस थीटा वन हो गया, तो ये फ्लक्स कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर ई साइन थीटा। नाउ ई साइन थीटा फ्लक्स एसोसिएटेड फॉर ई साइन थीटा कंपोनेंट विद सेकेंड सरफेस आपको नहीं कंसीडर करना है, क्यों, इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा, इधर, ठीक है, और फ्लक्स किधर जा रहा है, इनवर्ड, आपको कौन सा फ्लक्स निकालना है, विच फ्लक्स यू हैव टू फाइंड आउट, फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू द सिलेंडर, आप दो बार नहीं, सेम चीज को दो बार नहीं क्रॉस करना, अदरवाइज नेट फ्लक्स जीरो आ जाएगा, यू डोंट हैव टू कंसीडर दैट, मल्टीप्लीसिटी डुप्लीसिटी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कि यही तो दिस फ्लक्स दैट यू विल कैलकुलेट ऑन द सेकेंड सर्फेस विल बी गोइंग इन, ठीक है, एंड देन दैट इज द सेम फ्लक्स इज कमिंग आउट, तो व्हाई वुड यू काउंट ट्वाइस, दो बार नहीं काउंट करना है, ठीक है, तो ये हो गया, तो सेकंड से यू डोंट केयर, थर्ड से, बाय द वे सेकंड से होगा क्या, माइनस ऑफ दिस थिंग, ठीक है, तो नहीं काउंट करना है क्योंकि इनवर्ड है, आपको आउटवर्ड ही निकालना है कितना क्रॉस हो रहा है, सेकंड थर्ड सरफेस से ई साइन थीटा का कोई कंपोनेंट होगा, नहीं, बिकॉज इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर, ध्यान देना मैंने अपराइट सिलेंडर कोऑर्डिनेट में नहीं है, हम टिल्टेड कोऑर्डिनेट में है, राइट, ठीक है, जैसे सिलेंडर वैसे मैं भी हो रहा हूं, ठीक है, सो उसके परपेंडिकुलर वाला है, फाइन, तो यहां पे क्योंकि इसका नॉर्मल इधर होगा ना और ई साइन थीटा कंपोनेंट इधर जा रहा है,
इस डायरेक्शन में, एंगल 90, कॉस 90 जीरो, कोई फ्लक्स नहीं, ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। विथ थ्री इट इज जीरो, सेकेंड के साथ माइनस पाई आर स्क्वायर ई साइन थीटा, टोटल नहीं करना, यू डोंट हैव टू ऐड, आई रिपीट यू डोंट हैव टू कंसीडर दिस, ठीक है। नाउ ये किसका हो गया, ई साइन थीटा कंपोनेंट का, ई कॉस थीटा कंपोनेंट का निकालते हैं, ठीक है। लेट मी इरेज दिस थिंग, नो आई नीड इट, ठीक है। ई फाई ई फॉर ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा का निकालने में हमें थोड़ा सा, नाउ ई कॉस थीटा का फर्स्ट और सेकंड सरफेस के साथ कितना होगा, जीरो, क्योंकि ई वाई, बिकॉज ई कॉस थीटा इज इन दिस डायरेक्शन, और ये वाला एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू इट, 90 डिग्री यहां पे भी होगा और 90 डिग्री यहां पे भी होगा, तो फॉर फर्स्ट सरफेस एंड सेकंड सरफेस फाई वुड बी जीरो, ठीक है। फॉर विच कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई कॉस थीटा, एक ही बचेगा थर्ड वाला, थर्ड वाले के साथ आपको निकालना है, दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट, जो कि इस जो बिगिनिंग में मैंने बताया था, व्हाटएवर आई टॉट यू इन द बिगिनिंग यू हैव टू यूज इट नाउ, ठीक है। ओके, ये हटाते हैं यहां से, नहीं आपको याद रखना होगा, तो लेट मी जस्ट इरेज दिस पार्ट, विच एवर आई डू नॉट नीड, ठीक है। वी नीड दिस वन एंड वी नीड व्हाट आई एम गोइंग टू फाइंड आउट, फाई ई, अब बताओ जीरो से एच हो गया एंड ई, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई कॉस थीटा, ठीक है, ई कॉस थीटा कॉमा, बाय द वे ई कॉस थीटा यहां पे जो है, ठीक है, इट इज इन विच डायरेक्शन, जीरो कॉमा ई कॉस थीटा कॉमा जीरो, इसका आप डॉट प्रोडक्ट लोगे, ये वेक्टर है, ठीक है, जीरो कॉमा ई कॉस थीटा कॉमा जीरो, क्यों वाई डायरेक्शन में, इसके हिसाब से वाई है, इसी प्लेन में आएगा, ठीक है, ई कॉस थीटा आर साइन अल्फा के प्लेन में, डॉट ये हो जाएगा आर कॉस अल्फा कॉमा आर साइन अल्फा कॉमा जीरो, ठीक है, इनटू इनटू व्हाट डी जेड एंड डी अल्फा, ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, व्हेन यू विल टेक डॉट प्रोडक्ट, तो इसका इसके साथ जीरो हो जाएगा, इसका जेड के साथ जीरो हो जाएगा, यू विल गेट दीज टू, ठीक है। तो अब मैं ये इरेज कर देता हूं, आपको जो फाइव एक और रिलेवेंट फाइव ई मिल जाएगा, क्या आएगा बताओ, ये जीरो से एच, देखो डी जेड जीरो से एच करोगे तो एच बाहर आ जाएगा। नाउ दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था ना सिलेंडर को आधा खोल दो, ठीक है, लेट्स से सिलेंडर इज, कैन यू पास दैट पेपर, ओके, ठीक है, देखो आई एम गोइंग टू शो यू व्हाई एम आई कंसिडरिंग द हाफ ऑफ द सिलेंडर, ओके, सो देखो ये सिलेंडर है, इफ यू आर कंसिडरिंग द फुल सिलेंडर, तो यहां तक का आधे के लिए नॉर्मल वेक्टर वुड बी इन दिस डायरेक्शन एंड फॉर दिस वन नॉर्मल वेक्टर वुड बी जस्ट अपोजिट, ठीक है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू कंसिडर इज आई एम गोइंग टू कंसिडर पाई फ्रॉम जीरो टू पाई इंस्टेड ऑफ जीरो टू टू पाई, जीरो से टू पाई के बजाय हम मैं कंसिडर करूंगा जीरो टू पाई, और ये प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, ई कॉस थीटा एंड आर साइन अल्फा इंटू डी अल्फा, ठीक है। नाउ लेट मी जस्ट इरेज दिस वन, अब वीडियो में इधर बैक एंड फोर्थ करके आप देखते रहना, ठीक है, तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे फाई ई ये कितना हो जाएगा, आर एच ई दे आर कॉन्स्टेंट, कॉस थीटा इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट बिकॉज थीटा इज फिक्स्ड, इट इज जस्ट द टिल्ट एंगल, जीरो टू पाई साइन अल्फा डी अल्फा, इसको फिर से इधर करो कैलकुलेट करो, व्हाट यू विल गेट आर एच ई कॉस थीटा साइन अल्फा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन अल्फा इज माइनस कॉस अल्फा, और इट विल गो फ्रॉम जीरो टू पाई आर एच ई कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा इज माइनस कॉस पाई दैट इज वन माइनस माइनस वन, दिस यू विल गेट टू आर एच ई कॉस थीटा, सो टोटल फ्लक्स, टोटल आउटवर्ड फ्लक्स, ठीक है, आउटवर्ड फ्लक्स वुड बी टू आर एच
e cos theta plus pi r square e sin theta. ठीक है, so this is your answer. I hope you can see. ठीक है, दिख रहा है सबको यहां तक? Okay, fine. Now I will discuss the second method and I am sure कि all my effort आप वेस्ट करोगे. ठीक है, क्योंकि सेकेंड मेथड ही आपको लगेगा कि काफी आसान है और डायरेक्ट है. बट इफ यू अंडरस्टैंड सेकेंड मेथड तो अच्छा है, उसी से आप कर लो. ठीक है, आफ्टर ऑल आपको एग्जाम क्लियर करना है, राइट, जेई का. ठीक है, ओके, सो लेट मी डिस्कस द सेकेंड मेथड. ओके, सो वेलकम बैक टू सेकेंड मेथड. ठीक है, सेकेंड मेथड में मैंने बताया, अभी तक मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट लिया था, अब मैं एरिया का कंपोनेंट लेने जा रहा हूं. ठीक है, अगर आप सिलेंडर को खोल दो, ठीक है, तो सिलेंडर की हाइट कितनी? ठीक है, इफ यू विल ओपन द सिलेंडर, सिलेंडर आप ओपन कर लो, ठीक है, हाइट एच ही रहेगी. ओपन करोगे तो ये वाला एरिया पूरा कितना आ जाएगा, ये रेडियस 2r आ जाएगा. ठीक है, एंड व्हाट विल यू गेट? ठीक है, दिस इज द एरिया. और ये एरिया किस डायरेक्शन में आएगा, देखो इसका, ये तो नॉर्मल है, अगर अपराइट पार्ट में हुआ, सिलेंडर अगर वर्टिकल डायरेक्शन में है तो इफ यू ओपन द सिलेंडर दिस इज व्हाट यू विल फाइंड. ठीक है, नाउ व्हेन यू विल टेक द कंपोनेंट ऑफ इट, व्हेन यू विल टेक द कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर, इसका एरिया कितना आ जाएगा, 2r into h, एंड नाउ दिस एरिया इज इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, now what you are going to do, you are going to take its component. So which component are you going to get? ठीक है, you will get this 2rh into cos theta. ठीक है, आप just करके देख लेना, 2rh cos theta, this is the area. Now this normal vector is going to be like this, in this direction, in the direction of electric field. So E dot, okay, so when you will do E into 2RH cos theta, ये आ गया flux side third surface से, phi 3, 2RH E cos theta, इसको सही से लिख दो, 2RH E cos theta. Now, flux associated with first one आपको निकालना है, इसके लिए आपका area vector ये है, ठीक है, this is theta, but आपको लेना कौन सा area है, ये वाला. Because इस एरिया वेक्टर का ये कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, विल हैव 90 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नो फ्लक्स विल बी एसोसिएटेड. दिस ओनली दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, व्हाट वुड बी दैट, ए साइन थीटा, ओनली दिस कंपोनेंट विल एसोसिएट सम फ्लक्स, और वो फ्लक्स क्या होगा, आउटवर्ड फ्लक्स. ऑन दिस साइड इट वुड बी इनवर्ड फ्लक्स, तो आई एम लीविंग दैट. तो आपको इधर वाला नहीं कंसिडर करना है, तो फाई वन ही कंसिडर करना है. तो ई इंटू एरिया कितना हो जाएगा, pi r square, and that component would be sin theta. ठीक है, so total flux associated would be 2 r h e cos theta plus e into pi r square sin theta. Okay, so both answers are same. आप follow कर सकते हो ये question को. ठीक है, और I will suggest कि first method को भी एक deep, you know, एक बार video को अच्छे से समझो first method वाला. बिकॉज फर्स्ट मेथड इज मोर जनरल मेथड, जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेक्टर फॉर्म में दिया है और एरिया वेक्टर वेक्टर फॉर्म में दिया है, तो आप सीधा जो फंडामेंटल है वही मैंने यूज किया है. ठीक है, बट क्योंकि कर्व सरफेस कॉम्प्लिकेटेड था इसलिए चीजें कॉम्प्लिकेट हो गई. ठीक है, सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, डू गिव अ थम्स अप, ओके, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, एंड डू शेयर द वीडियो, एंड कीप लर्निंग फ्रॉम क्लियर योर डाउट चैनल. एंड ये चैनल मैंने इसीलिए बनाया है कि आप लोगों की फिजिक्स में हेल्प कर पाऊं, एंड फिजिक्स में हेल्प नहीं मिलती, आई कैन फ्रैंकली से दैट एज ए स्टूडेंट एंड एज वेल एज अ टीचर ऑल्सो, कि यू नो आई फेस डिफिकल्टी इन सॉल्विंग क्वेश्चंस स्टिल, ओके, डिस्पाइट यू नो बीइंग एट अ बेटर पोजीशन ऑल्सो. सो फिजिक्स में हेल्प कम मिल पाती है, एंड आई विल डू व्हाटएवर आई कैन डू टू हेल्प यू ऑल. थैंक यू.